हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा, ये जो हमारा लेक्चर है, ये फिफ्थ लेक्चर है। इसमें हम बेसिकली डिस्कशन करने वाले हैं एक और नए एप्लीकेशन का, डायमेंशंस की, और एक और एप्लीकेशन की बात करेंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है हमारा, ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? ये बेसिकली हमारा रिलेटेड है टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन गिवन क्वांटिटीज़। कुछ क्वांटिटीज आपको गिवन होंगी, उनके रिलेशन को ड्राइव करना होगा। या कई बार आपको क्या बोलेगा कि ये क्वांटिटीज आपस में रिलेटेड हैं, किस तरह से रिलेटेड है वो आपको बता देगा। एंड देन आपसे कहेगा कि ये जो कुछ पावर्स हैं हमारी, एक्सपोनेंशियल्स होंगे, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करो, राइट? तो ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जेई वगैरह, नीट वगैरह में पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना? तो इसको आपको जरूर करना है, अच्छे से करना है कवर, जिससे कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएं। आगे किसी भी एग्जाम को अगर आप देते हो, सीईटी हो, चाहे जेई हो या नीट हो, किसी भी एग्जाम को अगर आप दोगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है, राइट? तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, ये क्या है हमारा। ये कह रहा है पी रिप्रेजेंट्स द रेडिएशन प्रेशर, सी रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ लाइट, एंड क्यू रिप्रेजेंट्स रेडिएशन स्ट्राइकिंग यूनिट एरिया पर सेकेंड। देन नॉन जीरो इंटीजर्स एक्स बाई जेड सच दैट पी का पावर एक्स, क्यू का पावर बाई जेड, सी का पावर जेड इज डायमेंशन लेस। पी की पावर एक्स, क्यू रेज टू पावर बाई एंड सी रेज टू पावर जेड मस्ट बी डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन लेस मीन्स एम जीरो एल जीरो टी जीरो की इक्वल कर दो। तो ये मैं यहाँ पर पहले यही स्टेप किया मैंने यहाँ पर, ठीक है ना? यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व है ये क्वेश्चन। तो इसमें मैंने क्या किया, जरा ध्यान से देखो, पी का पावर एक्स, क्यू का पावर वाई, सी का पावर जेड, ये डायमेंशन लेस बोला है क्वेश्चन में। इट मीन्स मैंने इसको एम जीरो एल जीरो और टी जीरो के इक्वल कर दिया, ठीक है ना? अब अगला स्टेप हमारा आता है, अगला स्टेप क्या है, जो डायमेंशंस हैं आपकी पी क्यू सी, इन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन पुट करनी है। तो इन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन आप पुट करोगे तो पी प्रेशर है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, इसकी डायमेंशन होगी। क्यू क्या है, एनर्जी रेडिएशन, रेडिएशन मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड, पर यूनिट टाइम, सेकेंड मतलब टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको सॉल्व किया तो इसकी डायमेंशन हमारी आई एम टी माइनस थ्री, एम टी माइनस थ्री ये डायमेंशन आ गई। सी स्पीड ऑफ लाइट है तो इसकी डायमेंशन होगी मेरी एल टी माइनस वन। अब ये जो डायमेंशन है ना, ये डायमेंशन जब आप रख दोगे कहाँ पर, पी क्यू और सी की जगह, तो आपको क्या मिलेगा, देखो ज़रा ध्यान से, पी क्यू सी की जगह जब ये डायमेंशन रखो, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू एक्स और ऐसे बाई और ऐसे जेड। अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एम को देखा एक्स प्लस बाई हो गया, बाई को देखा x माइनस जेड हो गया, m l देखा तो x माइनस एक्स प्लस जेड, और t को हमने देखा तो माइनस टू एक्स यहाँ से, माइनस थ्री वाई यहाँ से, और माइनस जेड यहाँ से, ये जीरो। पावर्स को कंपेयर किया, x प्लस वाई हमारा किसके इक्वल आया, जीरो के, माइनस एक्स प्लस जेड जीरो के, एंड ये भी जीरो के। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि x बाई जेड ऑल आर नॉन इंटीजर्स, नॉन जीरो इंटीजर्स। तो जब ये नॉन जीरो इंटीजर्स हैं तो हम जो ऑप्शंस है ना हमारे पास, इन ऑप्शंस के थ्रू इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ज़रा ध्यान से देखो, तो पहला ऑप्शन अगर हम रखेंगे यहाँ पर, तो x की जगह 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस 1 आनी चाहिए, जो कि नहीं है इसमें। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखो, x की जगह 1 रखा तो y की वैल्यू माइनस 1 आ रही है, बिल्कुल ठीक है। z वाली देख लो, x की जगह 1 रखेंगे तो y की z की वैल्यू 1 आ रही है, आ रही है। इट मीन्स ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तीसरी इक्वेशन पर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो और अगर उसको ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व कर रहे हो, तो ऑप्शंस में जहां आपका ऑप्शन मैच कर जाए, वन करेक्ट ऑप्शन में बात होगी। ये मल्टीपल करेक्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तो वन जिसमें करेक्ट ऑप्शन हो उसके लिए आप क्या करो, ऑप्शन से चॉइस कर लो और वहाँ से देख लो सेटिस्फाई करके कि वैल्यूज हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं, देन सीधा सीधा वही आंसर है, राइट? तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हमारा हो गया बेसिकली एक्स वन वाई माइनस वन जेड वन, ठीक है ना? ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन पीएथ पावर ऑफ मास, क्यूएथ पावर ऑफ वेलोसिटी एंड आरथ पावर ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। इसके ऊपर डिपेंड है ये।
तो करेक्ट सेट ऑफ पी क्यू आर आपको बताना है, पी क्यू आर की करेक्ट वैल्यूज क्या है। तो अगेन सेम क्वेश्चन उसी तरह का हमने क्या किया, भाई हमें पता है कि ये वेवलेंथ जो है ये डिपेंड कर रही है किसके किसके ऊपर, आप देख पा रहे हो ये डिपेंड कर रही है मास, वेलोसिटी और प्लैंक कांस्टेंट की पावर्स पी क्यू आर। तो यहाँ से कांस्टेंट आया, ये पी क्यू आर, ये पावर्स आ गई। डायमेंशंस पुट करनी है, लैम्डा वेवलेंथ है तो एल डायमेंशन होगी। अब यहाँ पर मास की डायमेंशन एम होगी, वेलोसिटी डायमेंशन टी माइनस वन, और ये एच जो है ना ये प्लैंक कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसकी डायमेंशन हम निकालेंगे यहाँ से, ये एक फॉर्मूला होता है एनर्जी का, ई इक्वल्स टू एच इंटू न्यू, एच इंटू न्यू, तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है। और यहाँ से आप जब फाइंड आउट करोगे क्या, यहाँ से जब आप फाइंड आउट करोगे एच, तो ये आ गया ई अपॉन न्यू, ई अपॉन न्यू, ई की वैल्यू पुट करी यहाँ हमने, और ये जब वैल्यू पुट करी तो यहाँ से हमारी डायमेंशन आ गई एम एल टू टी माइनस वन, और ये जब टी माइनस वन ये डायमेंशन आ गई तो यहाँ से हमने उठा के यहाँ सारी डायमेंशंस रख दी, एम की पावर पी, एल की पावर दिस, एंड सॉल्व किया तो पी का जो एम है, एम की पावर कितना है पी, यहाँ से आर, यहाँ से पी प्लस आर हो गया, एल का पावर क्यू प्लस टू आर हो गया, टी का पावर माइनस क्यू माइनस आर हो गया। तो यहाँ रखा, और रखने के बाद जब पावर्स को कंपेयर किया तो पी प्लस आर इक्वल्स टू जीरो, पी इक्वल्स टू माइनस आर आ गया, क्यू प्लस टू आर इक्वल्स टू वन, तो यहाँ से ये हमारा, और माइनस क्यू माइनस आर आ गया मेरा जीरो, ठीक है ना। तो अब यहाँ से अगेन आप क्या करोगे, ऑप्शंस के थ्रू चेक करोगे, और नहीं तो आप ये भी कर सकते हो भाई, इस इक्वेशन से क्यू की वैल्यू उठाओ और यहाँ रख दो, क्योंकि जगह क्या रख दिया आपने माइनस आर, माइनस आर रखते ही ये आंसर आया, आर की वैल्यू वन आई, आर की वैल्यू वन आ गई तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वन हो जाएगी, और पी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी माइनस वन हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, हम आर की वैल्यू वन, क्यू पी दोनों माइनस वन, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स वी मे डिपेंड अपॉन देयर वेवलेंथ डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन आपको रिलेशन ड्राइव करना है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे रिलेशन ड्राइव किया हमने, वी प्रोपोर्शनल लैम्डा रो एंड जी, ये तो उसने बोला हुआ है स्पेशली कि वी कौन कौन से पैरामीटर्स पर डिपेंड है, तो ये कर दिया, कॉन्स्टेंट लाइन, पावर्स एज्यूम की, ये तो स्टेप होता है, इसको इक्वेशन मान लो, दोनों तरफ डायमेंशन पुट करेंगे, तो इधर वेलोसिटी की डायमेंशन एल वन टी माइनस वन एम जीरो हो जाएगा, लेंथ वेवलेंथ एल एक्स हो गया, डेंसिटी एम एल माइनस थ्री, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया एल टी माइनस टू। जब इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगी, राइट हैंड साइड में क्या हुआ, एम का पावर बाई एल का पावर एक्स प्लस जेड एंड टी रेज टू पावर माइनस टू जेड, तो यहाँ से बाई की वैल्यू तो जीरो आ गई, जेड आ गया वन बाई टू और एक्स आ गया वन बाई टू, तो यहाँ पुट कर दिया, पुट करने से क्या मिला मुझे, वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी लैम्डा, और स्क्वायर कर दोगे अगर आप इसको तो ये आपको मिल जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू या वी प्रोपोर्शनल जी लैम्डा। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, वी प्रोपोर्शनल जी लैम्डा, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। तो इस तरह से आराम से कर सकते हो क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्या है, ए बी और सी तीन आपको गिवन क्वांटिटीज हैं, और ए इज इक्वल्स टू बी का पावर एन सी का पावर एम, इस तरह से आपको वैल्यूज दी हैं। ए डायमेंशन है इसकी क्या, एल टी, बी की डायमेंशन क्या है, एल टू टी माइनस वन, और सी हैज़ डायमेंशन एल टी टू, देन एन और एम की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो ईजिली कर लोगे, ए बी सी तीनों के डायमेंशन पुट करनी है, देन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन को कंपेयर कर देना है, एम को एम से कंपेयर करना है, एल को एल से कंपेयर करना है, टी को टी से कंपेयर करना है। जब आप कंपेयर करोगे तो आपको एज इट इज़ वैल्यू कोई मिल जाएगी, और इसका आंसर आप कहाँ बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अगर हम मूव करें तो एक क्वेश्चन हमारे पास और है, ये अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा गया था, वेस्ट बंगाल जेई के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो इसमें क्या बोला, द स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, अ स्मॉल डिस्टर्बेंस कॉजेज द वॉल्यूम ड्रॉप
to oscillate. The time period T of the liquid drop depends upon R, density rho, surface tension S. Which of the following is the correct statement? इनमें से कौन सा correct answer है? तो क्या करना है, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किसके किसके ऊपर, रेडियस, डेंसिटी, सरफेस टेंशन. रेडियस और डेंसिटी का डायमेंशन तो आप जानते हो, बट सरफेस टेंशन का डायमेंशन आप नहीं जानते. तो सरफेस टेंशन आप पढ़ोगे आगे, बट अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा इसकी डायमेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं. फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ. सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो यहाँ से हमने इसकी डायमेंशन क्या निकाल ली, एम टी माइनस टू. सारी की सारी डायमेंशन यहाँ पुट करोगे, और जब ये सारी की सारी डायमेंशन यहाँ पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, m का पावर तो y प्लस जेड मिला, l का पावर x माइनस थ्री वाई मिला, और t का पावर माइनस टू जेड मिल गया. कंपेयर किया, y प्लस जेड इजकल्स टू जीरो, x माइनस थ्री वाई इजकल्स टू जीरो, माइनस टू जेड इजकल्स टू वन, तो जेड इजकल्स टू माइनस वन बाई टू. और x निकाल लिया, y निकाल लिया, ये आ गया मेरे पास 3 बाई टू, और ये आ गया मेरे पास 1 बाई टू. तीनों वैल्यूज उठा के आप यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करोगे. 1 में जब आप रखोगे तो r का पावर 3 बाई टू, रो का पावर 1 बाई टू, और s का पावर माइनस 1 बाई टू हो गया. तो अब ये 3 बाई टू जो है ये बेसिकली r क्यूब का रूट भी लिखा जा सकता है. 3 बाई क्यूब मीन्स r क्यूब, और 1 बाई टू मीन्स रूट, ठीक है ना. तो ये रख दिया. रो क्या है, रो का पावर 1 बाई टू, तो ये तो रूट है सीधा सीधा. एस का पावर माइनस 1 बाई टू, तो उसको अपॉन में ले आएंगे तो वो भी हमारा प्लस हो जाएगा. तो ये बन गया आर क्यूब रो अपॉन एस. तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट. तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, बट सबका बेसिक कॉन्सेप्ट इक्वल है, एक जैसा है बेसिक कॉन्सेप्ट. कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जिसमें आपको एक नया कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, राइट. कॉन्सेप्ट सिमिलर है, बस ये है कि कोई जो वैल्यूज आप यहाँ देख रहे हो, टेंशन, डेंसिटी, सरफेस टेंशन या एनर्जी, ये सारी की सारी क्वांटिटीज बदल सकती हैं, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा. तो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो बाकी की चीज़ें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट. और ये क्वेश्चन आप कर भी चुके हो तो इससे आपको आइडिया भी लग गया कि क्वेश्चन जो है कितने ईजी हैं. बट द बेसिक प्रॉब्लम इज़ दैट कि हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं. जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा क्वेश्चंस आसानी से होंगे, और जब क्वेश्चंस आप आसानी से करना सॉल्व कर लोगे, इट मींस वहाँ पर आपके लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के चांस बहुत हाई हो जाएंगे, ठीक है ना. तो इस बात को ध्यान रखो. अब हम एक नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. नेक्स्ट लेक्चर हमारा बेसिकली जो होगा वो होगा अगेन इसी की तरह एक एप्लीकेशन है, यही बिल्कुल कॉन्सेप्ट लगेगा, बट थोड़ा सा वहाँ वेरिएशन आएगा. थोड़ा सा वेरिएशन क्या आएगा, वेरिएशन मेरा ये होगा वहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को बदल दिया जाएगा. फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कोई और होंगी, और किसी अदर पैरामीटर का आपसे डायमेंशन या फिर पावर्स वगैरह पूछेगा, ठीक है ना. यहाँ MLT जो आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी है वही है, बट वहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा. फंडामेंटल क्वांटिटी जो अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड कराएगा क्वेश्चन, देन आपसे किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन पूछेगा, ठीक है ना. तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. इसको आप कंप्लीट करो एंड देन मिलते हैं अगले लेक्चर में. सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे.